हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत 2023 में कब है। 8 या 9 दिसंबर अगहन मास की चमत्कारिक एकादशी व्रत है। यह एकादशी दिलाता है धन और मोक्ष की प्राप्ति। पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त। पूजा विधि के साथ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या करें और क्या ना करें। प्रत्येक माह में दो एकादशी तिथि पड़ती है जिसे अलग अलग नामों से जानी जाती है। इन एकादशी व्रत का महत्व भी अलग अलग होता है, लेकिन एकादशी का व्रत और पूजन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। सभी एकादशी में मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी को खास माना जाता है, क्योंकि इसी एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी और उत्पन्ना एकादशी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इस साल एकादशी व्रत 8 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा और उत्पन्ना एकादशी का जो है पूजा का शुभ मुहूर्त 8:19 से लेकर के 9:37 तक है। दूसरा मुहूर्त जो है अमृत काल 9:37 से लेकर 10:55 तक रहेगा। तो इस दो मुहूर्त के भीतर आप पूजा करें। और पारण का जो है शुभ मुहूर्त क्या है, वो है 9 दिसंबर को 1:15 से 3:20 पर पारण का शुभ मुहूर्त है। इसके बीच आप पारण कर सकते हैं। और पूजा का जो दो मुहूर्त है वो दोनों मुहूर्त में आप कभी भी पूजा भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि जो होती है, एकादशी में हम चाहे वो कोई भी एकादशी हो, बहुत पुण्य देने वाली एकादशी व्रत होता है। और एकादशी का व्रत जो भी करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सीधे वैकुंठ मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कोई भी एकादशी व्रत करने वाला जो भी साधक, कि आपको एकादशी का नियम कैसे पालन करना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन्नारायण और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी एकादशी व्रत का जो है नियम एक ही जैसा होता है, जैसे कि नाम अलग अलग है लेकिन मुहूर्त जो है अलग अलग होता है और पूजन विधि जो है एक ही तरह होती है। तो एकादशी के व्रत में 3 दिन का जो है लग जाता है, यानी कि नहाए खाए के दिन से ही हमें सात्विक भोजन आहार में लेना चाहिए, जैसे कि लहसुन प्याज तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखना चाहिए 1 दिन पहले से ही, कम से कम 1 दिन पहले से ही। तो नहाए खाए के दिन से ही लहसुन प्याज का सेवन और मसूर की दाल बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि पूजा के दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन हम जब भगवान की पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पर चावल का जो है उपयोग नहीं करते हैं, अक्षत के रूप में हम तिल का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग कभी भी भगवान विष्णु की पूजा करें एकादशी के दिन तो उसमें चावल का प्रयोग ना करें, उसके जगह पर आप तिल का प्रयोग करें। तो एकादशी तिथि के दिन जो है सुबह सवेरे स्नान करने के बाद जो है एक चौकी ले लें, उस पर आप पीला कपड़ा बिछा लें, खुद आप अपने भी पीला वस्त्र धारण करें और भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा अगर एक साथ करते हैं तो इससे और ज़्यादा हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ जो है माता लक्ष्मी की पूजा भी किया जाता है। तो आप दोनों की प्रतिमा जो है स्थापित करें या भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है चौकी पर स्थापित करें, उसके बाद पीला पुष्प, पीला भोग और जो भी है पीला ही उनको आप अर्पित करें। अपने समर्थ अनुसार, शक्ति अनुसार आप धूप दीप चंदन दिखा करके आप भगवान की पूजा करें। उसके बाद जो है अगर आप को कोई मंत्र आती है तो आप लोग जरूर पढ़ें, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप आप लोग जरूर कर लें। आप जितना चाहें 51 बार, 21 बार, 108 बार, अगर ज़्यादा समय नहीं है तो थोड़ा सा ही आप मंत्रों का जप कर लें, लेकिन ज़रूर करें। उसके बाद आप लोग कथा सुनें, कथा सुनने के बाद आरती करें, आरती करने के बाद प्रसाद जो है वितरण करें। प्रसाद और आप लोग
एकादशी के व्रत में भूल कर भी घर परिवार कोई भी घर परिवार के कोई भी सदस्य हो इसमें चावल का सेवन आप लोग ना करें। जो व्रत रखते हैं वो भी और जो नहीं रखते हैं वो भी, उनको भी चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी पाप जो हैं चावल में ही जा कर के समा जाते हैं, ऐसा लिखा है। तो आप लोग भूल कर भी चावल का सेवन इस दिन ना करें। अब बात आती है कि हम एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं। तो देखिए एकादशी के व्रत में कभी भी हमें फलाहार पर ही रहना चाहिए। फल आप कोई भी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन आपको साबूदाना वगैरह या सेना नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप केवल फल खा करके आप फलाहार पर जो है एकादशी का व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत कभी भी फल खा कर ही किया जाता है। फल में आप कोई भी फल ले सकते हैं। अब बात आती है पारण की। दोस्तों पारण के समय जो है हमें कभी भी मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए और सुबह सवेरे जो है स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दें पारण के दिन, और विधिवत जिस प्रकार से अपने शक्ति समर्थनदार जैसे हम एकादशी के दिन पूजा करते हैं फिर उसी प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा कर लें। पूजा करने के बाद कुछ दान दक्षिणा जरूर निकाल लें। अगर आपके अगल बगल में कोई ब्राह्मण है तो उनको बुलाकर भोजन जरूर करा लें, उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। अगर ब्राह्मण नहीं है तो आपने अपने शक्ति समर्थ अनुसार कुछ दान दक्षिणा जरूर निकाल कर रख दें और शुभ मुहूर्त में पारण करें। यानी कि पारण के मुहूर्त जो मैं बताई हूँ उसी मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए। इस दिन गलतियां क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए भूल कर भी, और किसी की निंदा चुंगली नहीं करना चाहिए। हो सके तो इस दिन आप लोग झाड़ू लगाने से बचें, इसमें छोटे छोटे जीव जो हैं मर जाते हैं, इससे हमारा व्रत जो है खंडित हो जाता है और हमें पाप का भागीदार बनना पड़ता है। तो इस दिन आप लोग झाड़ू लगाने से बचें और किसी की बुराई चुंगली करने से बचें, और अपने बोली पर यानी कि कोई भी कट्टू शब्द अपशब्द बातें अपने मुख से ना निकालें जिससे कि आपकी बोली हुई बात किसी को जा कर के लग जाए। ऐसा भूल कर भी इस दिन गुस्सा भी नहीं किया जाता है। अगर आप एकादशी व्रत का हजार गुना फल पाना चाहते हैं तो रात्रि का जागरण जरूर करें। रात्रि जागरण करके और भगवान विष्णु का जो है भजन कीर्तन आप लोग जरूर करें। अगर कोई मंत्र आती है तो बैठ कर जपते रहें पूरी रात, अगर नहीं आती है तो भगवान का नाम लेते रहें। भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं, भगवान श्री राम का नाम ले सकते हैं, या भगवान श्रीमन नारायण का नाम आप ले सकते हैं। इन तीनों में कोई एक का नाम आप ले सकते हैं। ये तीनों आदमी एक ही हैं, आप किसी भी एक रूप की पूजा आप कर सकते हैं। तो आप लोग हो सके तो रात्रि जागरण जरूर करें। अगर हजार गुना फल पाना चाहते हैं, ज़्यादा पूर्ण फल पाना चाहते हैं तो आप लोग रात्रि जागरण करें और पूरे दिन और पूरी रात भगवान का नाम लेते रहें। आप अपने काम करते रहें और नाम जपते रहें। ऐसा करने से हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों पूजा में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पूरा सामग्री होगा तभी जा कर के हम पूजा करेंगे, नहीं। आपके पास जो भी शक्ति है समर्थ है, अगर भगवान दिए हैं तो आप भगवान को 56 भोग लगाइए। अगर आपके पास समर्थ नहीं है तो आप थोड़ी सी सामग्री में भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी का पत्ता आप लोग ना तोड़िएगा। द्वादशी के दिन भी आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, और भगवान विष्णु को जब भी भोग लगाएंगे एकादशी के दिन तो बिना तुलसी के पत्ता को आपको भोग भी नहीं लगाना चाहिए। इसलिए कि बिना तुलसी के पत्ता के भगवान विष्णु जो है भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। एक दिन दो दिन पहले ही आप लोग तोड़ कर रख लें। तुलसी का पत्ता बासी नहीं मानी जाती है। आप लोग गंगा जल से शुद्ध करके आप नीचे गिरी हुई तुलसी का पत्ता भी मिल जाता है आपको, तो उसे भी उठाकर आप गंगा जल से धो करके या शुद्ध जल से धो करके आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा फल पाना चाहते हैं, जितना इस दिन तुलसी का पत्ता जो है भगवान को अर्पित करते हैं उतना ही भगवान जो नारायण जो है प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन आप तुलसी की माला, तुलसी की पत्तियों की माला बनाकर भगवान को पहना सकते हैं। इस दिन जितना हो सके आप 108 तुलसी का पत्ता आप ले लीजिए। आप सीधे बोलिए कि श्रीमन नारायण, ऐसे बोलते हुए श्रीमन नारायण एक पत्ता उठाइए, श्रीमन नारायण बोलते हुए भगवान के पास रख दीजिए। एक पत्ता उठाइए फिर श्रीमन नारायण बोल के रख दीजिए। ऐसे 108 पत्ते से आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ही माता एकादशी भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी। मूर
नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष और संतान और आयुग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन्नारायण और जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। इनकी कृपा पाने के लिए सदा इनकी कृपा आप लोगों पर भी बनी रहे, मैं भी यही दुआ करूँगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।